की बहुप्रतीक्षित सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 अपनी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। अपनी रिलीज के एक दशक से ज्यादा समय बाद सन ऑफ सरदार 2012 सीक्वल के लिए तैयार है। फिर भी इस प्रोजेक्ट को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अजय देवगन अभिनीत यह फिल्म अभिनेता विजय राज से जुड़े एक और विवाद में फंस गई। ये भी पढ़ी, ब्रिटेन के वीजा अस्वीकृति और सन ऑफ सरदार 2 से बाहर किए जाने पर संजय दत्त ने तोड़ी चुप्पी। उन्होंने गलत किया है, विजय राज को कथित तौर पर गैर पेशेवर व्यवहार के कारण सन ऑफ सरदार 2 से हटा दिया गया था। पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर दो अलग अलग बातें साझा की गईं, जैसा कि अभिनेता और कुमार मंगत पाठक, जो फिल्म के सह निर्माता हैं, ने कहा कि विजय ने बड़े कमरे की मांग की, अपने स्पॉट बॉय के लिए ज्यादा पैसे लिए और बदतमीजी से पेश आया। इसके विपरीत विजय ने कहा, सेट पर पहुंचने के 30 मिनट बाद ही मुझे फिल्म से निकाल दिया गया, क्योंकि मैंने अजय देवगन का अभिवादन नहीं किया था। ये शक्तिशाली लोग हैं और बदतमीजी की बात तो बिल्कुल भी नहीं उठती। फिल्म में विजय की जगह संजय मिश्रा ने ले ली है। संजय दत्त का वीजा मुद्दा। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें सामने आईं कि संजय दत्त की वीजा संबंधी परेशानियों के कारण उन्हें सन ऑफ सरदार 2 से बाहर कर दिया गया है। अभिनेता ने आखिरकार बॉम्बे टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में इस मुद्दे के बारे में बात की, जहां उन्होंने कहा, मैंने आपको यूके सरकार को सभी कागजात और सब कुछ आवश्यक दिया। आपने मुझे वीजा क्यों दिया पहले स्थान पर? आपको मुझे वीजा नहीं देना चाहिए था। आपको कानूनों को समझने में एक महीने का समय कैसे लगा? सन ऑफ सरदार 2 का निर्देशन विजय कुमार अरोरा ने किया है और इसमें मृणाल ठाकुर भी हैं। पहली फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में थी। खबर है कि निर्माता नई फिल्म को आगे बढ़ा रहे हैं, न कि पहली फिल्म के अंत से।